मरुताल थाना क्षेत्र आईटीआई के पास स्थित होटल मिड जर्नी में एक विदेशी महिला कई दिनों से ठहरी हुई थी। ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की टीम जांच करने होटल पहुंच गई। पुलिस ने जांच के दौरान विदेशी महिला के होटल में ठहरे होने की सूचना को सत्य पाया, जिसके बाद होटल संचालक द्वारा पुलिस थाने में इस संबंध में जानकारी न दिए जाने को लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। माड़ोताल थाना क्षेत्र आईटीआई के पास मेड जर्नी होटल में एक विदेशी मूल की महिला के ठहरे होने की जानकारी पर माड़ोताल थाना पुलिस जांच करने होटल पहुंची। यहां सूचना की तस्दीक की गई तो खबर सच निकली। होटल में बीते 3 तारीख से एक विदेशी महिला के रूम में ठहरे होने की बात सामने आई, लेकिन होटल संचालकों ने इस संबंध में पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी, जिसे लेकर होटल संचालक के विरुद्ध पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि विदेशी महिला का वीजा और पासपोर्ट चेक किया गया। महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है, लेकिन वो किस मकसद से जबलपुर आकर होटल में रुकी थी, इस संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है। और मौके पर पाया गया कि होटल मिड जर्नी में एक उज्बेकिस्तान की 34 वर्षीय युवती 3 तारीख से रुकी हुई थी, और इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई हेतु जाँच कार्रवाई चल रही है। हाँ, होटल मालिक को प्रॉपर सूचना देना चाहिए था। नियम में है, कानून में है कि होटल संचालक इस तरह से कोई विदेशी व्यक्ति अगर आकर रुकता है, इवन कि अगर देश का रहने वाला भी कोई निवासी आके यहाँ निवास करता है होटल में, उसकी भी थाने में सूचना दी जाती, पर विदेशी युवती होने के बाद भी इनके द्वारा सूचना नहीं दी गई, लिहाजा इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि होटल संचालक अखिलेश तिवारी द्वारा विदेशी महिला के होटल में रुकने की जानकारी संबंधित थाने को नहीं दी गई, लिहाजा उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।